दिल्ली असेंबली इंतखाब को लेकर के तशहीरी मुहिम जो है वो खत्म हो चुकी है, अब महज 40 घंटे बचे हैं। इसमें पार्टी की क्या रणनीति होती है, हमारे साथ अनीस दुर्रानिया कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर, आप मीडिया के कन्वेनर भी हैं AICC के, क्या रणनीति होगी अब जबकि महज 40 घंटे बचे हैं और तशहीरी मुहिम जो तशहीरी शोर था वो खत्म हो चुका है? देखिए, तशहीरी मुहिम वो शुरू हुई है जब पब्लिक मकामात के ऊपर जलसे जलूस करना या रैलियाँ निकालना ये ख़त्म हुआ है, लेकिन ये बड़ा अहम 40 घंटे होते हैं जिसके अंदर हम एक दफ़ा से फिर जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता होते हैं और समर्थक एक्टिव होते हैं उनसे फिर हम इंडिविजुअली कोशिश करते हैं मिलने की और उनको एक दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी किस तरीके से, यानी सारा समर्थन अपनी जगह पर है लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट निकाल के डलवाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो पूरी मशीनरी जो अब कांग्रेस पार्टी की होगी दिल्ली के अंदर वो इसी एक नक्श पे काम करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीमें बनाए और जो टीमें बनी हुई हैं उनको एक्टिवेट रखे ताकि इलेक्शन वाले दिन परसों सुबह वो ज़्यादा से तादाद में लोगों को निकाल कर वोटिंग करवाएं। लेकिन अगर देखा जाए, महज दो रोड शो राहुल गांधी ने किया, दो रैली की, सोनिया गांधी की महज एक रैली, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को देख लिया जाए, आम आदमी पार्टी की बहुत सारी रैलियां हुई, बहुत सारे रोड शो हुए, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की आज भी रैली हुई है, कांग्रेस की कल भी पुरानी दिल्ली में दो रोड शो, दो रैली राहुल गांधी की और एक सोनिया गांधी की। जी जी जी, तो क्या आम आदमी पार्टी के मुकाबले में बहुत कम? देखिए, अब ये अपने अपने लड़ने का तरीका है, जो बड़ा एक बड़ी पार्टी होती है उसका अपना एक कहने का स्टाइल होता है, अपना उसका इन्फ्लुएंस होता है। जहाँ तक आपकी पार्टी है ये अपना पैदा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो शुभचिंतक हैं वो अपनी जगह पर हैं और मैं समझता हूँ जितना ये रैलियाँ काफ़ी हैं उनके लिए। और बल्कि ताज्जुब की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली में 4 जगह जनसभाएं करनी पड़ी जिनमें अधिकतर सभाएं उनकी फेल हुई। कांग्रेस ने अपने कैंपेन कमेटी का जो प्रेसिडेंट बनाया, चेयरमैन बनाया अजय माकन को, अजय माकन अपने हुदूद से या कहें अपने इलाके से बाहर ही नहीं निकले पूरी दिल्ली के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम निकले जी। कुछ देखिए, जितना दोनों ही काम उन्हें करने थे, अपना इलेक्शन भी लड़ना था और कैंपेन भी संभालना था, तो ऐसा नहीं है बहुत, तकरीबन कोई ऐसी जो कांग्रेस की मेजर रैली ने हुई है उसके अंदर वो ऐसा नहीं हुआ कि ना गए हों, उसमें शिरकत भी करी है उन्होंने। उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि बावजूद इसके खुद इलेक्शन लड़ने के भी उन्होंने कैंपेन में कोई कमी नहीं आने दी। आखिरी सवाल, आखिरी 40 घंटे में कांग्रेस को अब कितनी उम्मीदें बची हैं? हमको तो अभी भी उम्मीद है कि हमारे वो तमाम उम्मीदवार जो जीते थे वो भी जीतेंगे दोबारा, और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर रहे थे वो भी इस बार जीत के आ जाएंगे और हम अच्छी एक पोजीशन में होंगे। शुक्रिया। पूरी दिल्ली भले ही इस बात को कबूल न करे लेकिन कांग्रेस का अभी भी मानना है कि वो अभी चुनावी मैदान में डटी हुई है और कुछ सीटें वो हासिल करने में कामयाब भी होंगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।